बच्चों ने एग्जैक्टली सीखा था कि टेबल मैट क्यों लगाते हैं, फॉक किस हैंड से यूज़ करते हैं, स्पून किस तरीके से यूज़ किया जाता है, या क्यों ये चीज़ें एप्रिंस क्यों पहनते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है, हर बच्चा आइंस्टीन नहीं बन सकता है, हर बच्चे को आप टॉपर सिर्फ 10th and 12th में नहीं बना सकते हैं, या फिर करियर वाइज हर बच्चा IAS नहीं बन सकता है। लेकिन यस, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उसको ही हम निखार कर अगर उस बच्चे को वहाँ उसके बींग रिस्पॉन्सिबल फैसिलिटेटर वी पिक अप द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड देन वी नरिश देम, दैट इज़ द मेन थिंग। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह, और अभी हम लोग मौजूद हैं बारबेक्यू नेशन में, और हमारे पीछे ये एक बच्चों की पूरी बटालियन नज़र आ रही होगी, और मैम लोग भी मौजूद हैं। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के ये बच्चे हैं और मैम हैं, प्रिंसिपल सब मैम हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्यों आई हैं बारबेक्यू नेशन में, और आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इससे पहले हम लोगों ने लाइव भी किया था, तो वो सेशन देख के आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम लोग अभी यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। आप बता दीजिए मैम, क्यों मौजूद हैं यहाँ पे? देखिए, लाइव लर्निंग एंड लाइव जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है अदर देन बुक्स। तो हम हमेशा ये करते हैं, लास्ट ईयर भी हमने सेम बारबेक्यू नेशन में किया था। बच्चों ने एग्जैक्टली सीखा था कि टेबल मैट क्यों लगाते हैं, फॉक किस हैंड से यूज़ करते हैं, स्पून किस तरीके से यूज़ किया जाता है, या क्यों ये चीज़ें एप्रिंस क्यों पहनते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि बहुत ग्रोन अप भी हो जाते हैं तब भी हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आ पाती हैं। सो हमारा एक मेथड है, एक छोटी सी कोशिश है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाएँ। बच्चों को हर एक चीज़ आना चाहिए। स्कूल में एडमिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो सब्जेक्ट्स पढ़ें, उनको एक बेसिक कल्चर, एटिकेट्स, मैनर्स, टेबल मैनर्स, खाना कैसे खाना है, चलना कैसे है, बोलना किसी के सामने कैसे है, वो हर एक चीज़ बच्चे को आनी चाहिए। सो हम हर एक छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस बच्चों को देते हैं ताकि ये लर्निंग हो सके। मिस्टर नीतीश का सपोर्ट रहा है जिसकी वजह से आज ये सारा चीज़ पॉसिबल हो पाया है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर नीतीश एंड सौरभ झा जिन्होंने ये कोऑर्डिनेशन रखा है हमारे साथ, और हम पॉसिबली बच्चों को वो चीज़ें दिखा पाते हैं और सिखा पाते हैं। ये मैनर्स सीखने के साथ साथ ही जो कुकिंग के क्षेत्र में जाते हैं, जाना चाहते हैं जो बच्चे, या फिर फील्ड में आमतौर पे इस तरीके की स्पेस नहीं मिल पाती उनको, अब लाइक गोरखपुर वाले एरिया में नहीं मिल पाती है थोड़ी सी, क्या कहना चाहेंगे उनको लिए, उनके लिए जो ये सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर? मैं दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की तरफ से बस एक ही मैसेज सबको देना चाहती हूँ कि मेरा स्कूल जो है वहाँ पर हम हर एक क्षेत्र में बच्चे को निकालना चाहते हैं। इवन फोर्थ कमिंग टाइम में हम बुलाने जा रहे हैं हरभजन सिंह जी को अपने स्कूल में। तो बहुत बार ऐसा होता है, हर बच्चा आइंस्टीन नहीं बन सकता है, हर बच्चे को आप टॉपर सिर्फ 10th and 12th में नहीं बना सकते हैं, या फिर करियर वाइज हर बच्चा IAS नहीं बन सकता है। लेकिन यस, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उसको ही हम निखार कर अगर उस बच्चे को वहाँ उसके लेवल पे, अगर कुकिंग में वो अच्छा करना चाहता है, हम उसको एक अच्छा शेफ, एक अच्छे होटल में बना सकते हैं, में कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं उसके लिए, या फिर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो हम उसको क्रिकेटर बना सकते हैं। जिस फील्ड में जो जितनी महारत हासिल करता है उसको बस चुनना है, हमारे ट्रेनर्स को, हमारे फैकल्टीज़ को, अलग अलग हमारे ट्रेनर्स उसी के लिए अपॉइंट होते हैं, और उन प्रतिभाओं को अलग से निकाल कर उसी क्षेत्र में उन बच्चों को पहुंचाने का हम काम करते हैं। पिछले साल जब ये इवेंट हुआ था तो किस प्रकार का अप्रोच मिला था, पेरेंट्स के थ्रू या फिर बच्चों ने क्या किस तरीके का रिएक्शन दिया था? क्योंकि ये पिछले साल पहली बार हुआ था तो इट वॉज़ उनके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस नया था, उनको पता नहीं था क्या होने वाला है। बट जैसे ही इस टाइम हमने उनको ये न्यूज़ दिया कि अगेन हम बारबेक्यू नेशन जाने वाले हैं, देवर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, वो बहुत खुश थे, और आज उन्होंने जो भी चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं वो स्कूल में भी हम अप्लाई करते हैं। हम एप्रेंस अपने बच्चों को स्कूल में भी पहनाते हैं, टेबल मैट्स वगैरह यूज़ कराते हैं। सो ऐसा नहीं इट इज़ जस्ट फॉर कि बच्चे आए, दे हैड फन एंड ख़त्म। नो, यहाँ से जो लर्निंग बच्चे लेके जाते हैं हम उनको डेली बेसिस पे वॉच भी करते हैं, चेक भी करते हैं, और हमारे बच्चे उसको फॉलो भी करते हैं। सो हमारा यही एक प्रयास है कि जो भी चीज़ वो सीखें प्रैक्टिकली वो अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें। सो बच्चे बहुत खुश होते हैं एंड नीतीश जी का थैंक्स है। नीतीश जी हमारे साथ मौजूद हैं, बारबेक्यू नेशन के मैनेजर हैं हमारे साथ। सर, जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं क्या कुछ क्राइटेरिया उनके लिए सेट की जा सकती है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के टीचरों का, उनके स्पेशली दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के स्पेशली मैडम का, प्रिंसिपल मैडम का, कि उन्होंने इस बार भी हमको सपोर्ट किया और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बार मौका दिया है। तो मोस्टली क्या होता है कि अगर क्राइटेरिया वही है कि आपका फर्स्ट तो होटल मैनेजमेंट का है, और दूसरा चीज़ें हैं कि इंटरेस्ट अगर है ना तो वो किसी तरह भी किसी फील्ड में जाने के लिए वो तत्पर है। स्पेशली होटल मैनेजमेंट एक बस बेस है, बट अगर कोई अगर सीखना चाहे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि होटल मैनेजमेंट के बाद भी, लोग बहुत सारे होते हैं जो छोड़ देते हैं इस चीज़ों को।
तो अगर किसी के पास इंटरेस्ट है, अगर नॉर्मली आना चाहता है किचन में या सर्विस डिपार्टमेंट में, तो बारबेक्यू नेशन हमेशा ओपन है उनके लिए और उनको बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलता है। स्पेशली हमारे बहुत स्टाफ ऐसे हैं जो हमारे पास स्टाफ ऐसे हैं जो कि नॉर्मली क्या होता है, ऐसा नहीं है कि होटल मैनेजमेंट करके ही आए हैं, बट क्या है कि आज वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं यहाँ पे कि एज अ वेटर से, एज अ रेंज सेफ से वो आज क्लस्टर मैनेजर, क्लस्टर सेफ के पोस्ट पे जा चुके हैं। तो उनके जो मन में जो काम के प्रति अपना कुकिंग के प्रति या सर्विस के प्रति जो फील था वो बहुत अंदर तक था, इसलिए उन्होंने वहाँ तक हासिल, तो कोई भी कर सकता है, इंटरेस्ट होना चाहिए और जज्बात और जज्बा होना चाहिए तो डेफिनेटली उसको अचीव कर सकते हैं। कौन कौन इसमें से सेफ बनना चाहता है, एनीवन? किसी का इंटरेस्ट नहीं है। ये डॉक्टर इंजीनियर छोड़ के कौन कौन अलग चीज में जाना चाहता है? सर क्रिकेटर्स। क्रिकेटर? यस सर। क्या किसकी तरह है, कौन रोल मॉडल है तुम्हारा? सर एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स, अच्छा। और कौन? क्रिकेटर। क्रिकेटर? क्रिकेटर। आईपीएल देख के? सर क्रिकेटर। सर क्रिकेटर। अच्छा, क्रिकेटर वाले जाते हैं। मैम लोग हैं, वैसे आमतौर पर अगर बात किया जाए तो प्रिंसिपल से जो बच्चे हैं कम्युनिकेट कम करते हैं, टीचर से ज़्यादा करते हैं, टीचर से बात कर लेते हैं, किस तरीके का सपोर्ट मिलता है मैम? बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है बच्चों का, एज दे नो दैट एवरी चाइल्ड इज स्पेशल इन माय स्कूल एंड दे हैव डिफरेंट स्किल्स, सो वी एज अ फैसिलिटेटर, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल फैसिलिटेटर, वी पिक अप द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड देन वी नरिश देम, दैट इज अ मेन थिंग। अच्छा, क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं इसमें से कुछ लोग, तो उनके लिए क्या कुछ? वी ऑर्गेनाइज सर्टेन थिंग्स, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है सो दैट दे कैन गेट अ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड दे गो थ्रू दैट, दैट्स इट। बहुत बढ़िया। अभी आपने सीखा है पास्ता बनाना, चलिए बता दीजिए कैसे कैसे पास्ता बनता है जल्दी से। पहले हमने बटर डाला, फिर जाके हमने उसमें कॉर्न, फिर हमने उसमें मशरूम, गार्लिक वाला भूल गई, चॉप किया होगा गार्लिक डाला, फिर हमने स्कैस्कम डाला, फिर हमने मशरूम डाला और हमने कॉर्न डाला, फिर अभी नहीं, अभी उसे तो अभी उसे हल्का सा ब्राउन किया बस, फिर जाके हमने ब्राउन करते वक्त जो फ्लेम है वो कितने पे होना चाहिए? लो लो। फिर जाके हमने पास्ता सॉस डाला जिसमें ऑलरेडी सेल्ट मिक्स था, उसकी रेसिपी ऑलरेडी बनी हुई थी नेचुरल घर, और फिर जाके हमने उसमें मशरूम डाला और फिर हमने उसे थोड़ा सा रखा, उसे थोड़ा सा फ्लेम हाई किया, फ्लेम हाई किया, फिर जाके हमने उसमें पास्ता डाल लिया, फिर हमने थोड़ा सा और उसे रखने दिया, फिर जाके रेडी हुआ। फिर कैसा लगा खाने के बाद? अच्छा था। इस तरीके का पास्ता इसके पहले खाई थी? नो। तो ये नया चीज़ सीखी? अच्छा लगा? अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा। अच्छा ये बताइए, वो जो सॉस था वो पास्ता, वो कैसे बनता है? ये इसकी रेसिपी नहीं मालूम है। किसी को बताया है उन्होंने पास्ता सॉस कैसे बनता है? मैदा, जितना मैदा रहेगा उतना बटर रहेगा, उसे हमने मिल्ट किया, फिर हमने उसमें सेल्ट डाला और भी जो भी कुछ भी डलता है, फिर जाके वो रेडी। बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे साथ दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के बच्चे थे और ये अभी किचन की चीज़ें को सीखने के लिए और मैनर सीखने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है वो सारी चीज़ों को सीखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और हमारे साथ बारबेक्यू नेशन के मैनेजर भी थे और मैम प्रिंसिपल मैम भी थी। कैसे आगे बढ़ाया जाता है बच्चों को अलग फील्ड में, वो सारे डिस्क्रिप्शन इन्होंने हमको बताया और ये वीडियो आप तक भी पहुंचा, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ।